हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ बूटस्ट्रैप से हम एक साइनअप फॉर्म कैसे बना सकते हैं, यानी कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो बहुत ही आसान है दोस्तों ये करना, और मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से करके दिखाऊंगा सिर्फ एक HTML के फाइल के अंदर। तो चलिए अपने इस प्रोजेक्ट को हम शुरू करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, अपने चैनल पर मैंने अभी अभी एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी है, नई प्लेलिस्ट है जिसका नाम मैंने दिया है बूटस्ट्रैप एंड HTML CSS फॉर्म, ठीक है। तो ये एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट करी है जिसमें मैं फ्यूचर में जितने भी फॉर्म्स जो है मैं बनाऊंगा, जब मैं क्रिएट करूंगा तो वो सभी आपको वहां मिल जाएंगे, ठीक है। चाहे मैं HTML CSS से क्रिएट करूं, चाहे मैं बूटस्ट्रैप का यूज करूं, तो वो सभी फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अब हम यहां देखते हैं कि यहां हम कर क्या रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां इस वक्त मैं अपने VS कोड टेक्स्ट एडिटर में हूं, ठीक है, सॉफ्टवेयर में हूं, और यहां पर मैं एक नई फाइल जो है क्रिएट कर रहा हूं। HTML की फाइल है दोस्तों ये, इसको नाम आप चाहे कुछ भी दे सकते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूं दोस्तों, क्या नाम दे इस फाइल को, इस फाइल को मैं नाम दे देता हूं दोस्तों बूटस्ट्रैप अंडरस्कोर फॉर्म, ठीक है, बूटस्ट्रैप फॉर्म, ओके, सेव कर देता हूं। आप चाहो तो साइनअप नाम दे सकते हो, साइन इन नाम दे सकते हो, जो नाम देना है, registration.html, साइनअप, साइन इन .html, आपकी मर्जी है, वो नाम इसको दे देना, ठीक है। मैंने यहां पर फिलहाल इसको नाम दिया है बूटस्ट्रैप अंडरस्कोर फॉर्म .html, HTML का ये फाइल है। सर्वर पे आप इसको डालोगे तो आप चाहो तो PHP भी बना सकते हो, बट PHP को रन करने के लिए फिर आपको उसे XAMPP में खोलना होगा, ठीक है। यहां पर मैंने ये फाइल क्रिएट कर लिया है, चलिए इसका बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं। तो ये बेसिक कोड है, सबको पता है, सबको पता है ये HTML का बिल्कुल साधारण सिंपल बेसिक सा कोड है। अभी हम क्या करेंगे, मैं इसमें लिख देता हूं ऊपर साइनअप, ओके, साइनअप साइनअप लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, साइनअप, ओनली साइनअप, ठीक है। साइनअप लिखो, रजिस्ट्रेशन लिखो, जो आपका मन करे आप वो यहां लिख सकते हो। हेड टैग में मैं क्या करूंगा, मैं बूटस्ट्रैप को लिंक करूंगा, बूटस्ट्रैप की CSS फाइल एंड जावास्क्रिप्ट फाइल दोनों के मैं ऑनलाइन लिंक्स उठाऊंगा। ऑफलाइन आप चाहो तो डाउनलोड कर रही हुई आपने तो लिंक कर सकते हो फोल्डर में डाल करके, बट मैं ऑनलाइन उठाऊंगा उस फाइल को। तो मैं यहां जाऊंगा और मैं लिखूंगा बूटस्ट्रैप CDN, ठीक है। CDN जब हम लिखते हैं ना किसी भी फाइल का, तो हमें उसका एक CDN लिंक मिल जाता है, उसकी JS और CSS फाइल का, जिससे कि हम उसे यूज कर सकते हैं, राइट। और इसके लिए मैं जिस वेबसाइट का यूज करूंगा वो होगी cdnjs.com, यहीं कहीं मिल जाएगी हमें, कहाँ है cdnjs.com। हमेशा इस वेबसाइट का यूज करना जब आपने कोई CDN लिंक लेना हो किसी भी फाइल का, ये बहुत ही बेस्ट वेबसाइट है। इसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो वहां से विजिट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो यहाँ आ रहा है ट्विटर बूटस्ट्रैप, ये कुछ ट्विटर करके आ रहा है, ट्विटर वाला क्या चक्कर है भाई, हमें सिर्फ जो है यहाँ सर्च कर लेते हैं, लिख देते हैं, क्या बात है। तो ये आ गया बूटस्ट्रैप, और बूटस्ट्रैप पर अब हमने क्लिक कर दिया है, ये साइट ने सर्च किया और ये आ गया है, ठीक है, bootstrap.min.js। तो ये इसकी जो है, ये हमारे पास आ गई है, JS फाइल आ गई है, ठीक है। अब इसकी JS फाइल को तो मैंने यहाँ डाल दिया है, ठीक है, बहुत बड़ी फाइल यार, लिंक है ये, चलो इसको फॉर्मेट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये आ गया है JS का। अब मेरे को क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसकी CSS फाइल और चाहिए, तो इसकी CSS फाइल यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे bootstrap.min.css, ये वाली चाहिए मुझे, ठीक है। हमेशा याद रखना JS फाइल अगर आप लोगे तो bootstrap.min.js होनी चाहिए, और CSS लोगे तो bootstrap.min.css होनी चाहिए। ये बाकी जो आ रही है reboot.min, grid.min, bundle.min, ये अपने काम की नहीं है। सीधा मैं टैग को ही कॉपी करूंगा, उठाऊंगा, हेड टैग में जाऊंगा और स्क्रिप्ट वाले से पहले इसको लगा दूंगा, ठीक है, और वैसे ही फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूंगा, फॉर्मेट हो गया। देखो इतनी आसानी से हमने बूटस्ट्रैप की JS और CSS दोनों को अपने HTML के पेज में लिंक कर लिया है। अब इस पेज पर मैं क्या करता हूँ, इसको लाइव सर्वर नाम के एक एक्सटेंशन के थ्रू अपने ब्राउजर में ओपन कराता हूँ। लाइव सर्वर का फायदा ये होता है कि बस जो भी मैं हाथों हाथ कोडिंग करूंगा वो मुझे ब्राउजर में रीलोड नहीं करनी पड़ेगी, और वो अपने आप ऑटोमेटिकली रीलोड कर देगा, बस इस एक्सटेंशन का यही फायदा है। कंसोल में जाकर देख लेते हैं कोई एरर वगैरह। हाँ, तो एक एरर हमें आ रहा है, मैं एक बार अपनी ये जो वीडियो है इसे थोड़ा सा नीचे करता हूँ। तो ये कह रहा है कि बूटस्ट्रैप्स जावास्क्रिप्ट रिक्वायर्स jQuery कह रहा है अभी, अच्छा ये jQuery मांग रहा है। बूटस्ट्रैप की फाइल में ये एरर है, कोई खास हमें प्रॉब्लम देगा नहीं क्योंकि हमारी CSS की फाइल जो है वो
एकदम परफेक्ट है, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम यहाँ होगी नहीं। तो चलिए फॉर्म क्रिएट करते हैं अपना। तो सबसे पहले हम इस फाइल में हैं, अब हम आ जाते हैं अपनी बॉडी में। और बॉडी में हम क्या करेंगे, बॉडी में हम देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले लेंगे एक, ठीक है, डॉट लिखकर अगर आप ऐसे लिखोगे ना, कंटेनर, तो ये कंटेनर हमने ले लिया है, कंटेनर हमने ले लिया। और इस कंटेनर के अंदर अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे अपना एक फॉर्म टैग ले लेंगे, फॉर्म पोस्ट, मेथड पोस्ट, ठीक है। और अब इस फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है अपने जो भी हम लेना चाहते हैं, लाइक जैसे कि मैंने एक लेबल ले लिया, ये एक लेबल ले लिया, और इस लेबल से पहले जरा मैं एक डिव बनाना चाहता हूं, जो कि होगा हमारा रो नाम से, एक रो डिव होगा। इस रो डिव के अंदर हमारा ये लेबल मैं रखूंगा, तो एक बार इस लेबल को मैं हटा देता हूं, मैं प्रॉपर आपको समझाता हूं। रो और कॉलम के हिसाब से हम चलेंगे ताकि जो है हमारा फॉर्म बहुत अच्छे से दिखाई दे। तो एक रो है, उसके अंदर काफी सारे कॉलम्स हो सकते हैं, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, बाकी जो है वो मैं कॉल एम डी यानी कि कॉलम मीडियम 6, ठीक है। और ये 6 मैंने क्यों लिया, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर मैं एक लेबल लूंगा, और ये जितना भी मैं कोड में यहाँ लिख रहा हूँ, ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा नीचे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ नेम, यानी कि फर्स्ट नेम के लिए ये लेबल होगा, और यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम हमने यहाँ लिखा। और इसके बाद मैं एक इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट टाइप हमारा टेक्स्ट रहेगा, इसको आप नेम आप देना नेम आप जरूर दें, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ ये चीज, तो मैं प्रॉपर ही करूंगा हर एक काम। तो मैं यहाँ एफ नेम, ठीक है, क्योंकि सर्वर पर जब आप ये इनपुट का वैल्यू लोगे तो वो आप नेम से लोगे, नेम एट्रीब्यूट से लोगे, तो इसलिए नेम देना बहुत जरूरी है। एंड देन क्लास हम देंगे इसको, एक क्लास में हम इसको देंगे फॉर्म कंट्रोल। जब हम फॉर्म कंट्रोल लिखते हैं तो हमें प्रॉपर बूटस्ट्रैप इसके ऊपर लग जाता है, राइट। तो मैं अगर अभी इतना दिखाऊं तो देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके का हमें ये दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप देखो, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो मैंने पहले कभी जो भी यहाँ पर आप देख रहे हो फर्स्ट नेम डाले होंगे, वो सब सजेशंस यहाँ मुझे दिखा रहा है, ऑटो कंप्लीट दिखा रहा है। इसको बंद करना हो तो हम कैसे करेंगे, वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत सिंपल है। तो अभी हमने यहाँ पर इसको क्लास दिया है फॉर्म कंट्रोल, और अब हम इसको एक आईडी भी देंगे, क्योंकि हमारा जो लेबल है वो आईडी के हिसाब से चलता है। और वहां पर मैंने फोर में जो है लेबल में आप देखेंगे ऊपर, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, जूम इन करना भूल गया था, सॉरी। ये देखिए, तो जो फर्स्ट नेम है, ठीक है, ये जो हमने एक लेबल लगाया है, इसमें एक फोर होता है, फोर नाम का एट्रीब्यूट होता है, जिसमें हमने एफ नेम दिया है। तो ये एफ नेम आईडी है बेसिकली, यहाँ हम बता रहे हैं फोर मतलब किसके लिए आप ये लेबल लगा रहे हो। तो फोर में हम हमेशा आईडी डालते हैं, और यहाँ मैं फर्स्ट नेम के लिए, फर्स्ट नेम ये बताने के लिए यहाँ पर एक लेबल लिखा है, तो उसको आईडी भी मैं वही दूंगा, एफ नेम। यहाँ पर एफ नेम मैंने आईडी दिया है, तो यानी कि ये जो एफ नेम का आईडी है, इसके लिए मैंने ये लेबल लगाया है, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब मैं आपको अगर ये दिखाऊं तो ये देखें आप, अब ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, लेकिन अभी भी इसके अंदर कुछ कमी है, कुछ एट्रीब्यूट्स की कमी है, ठीक है। सबसे पहले तो एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, ये बहुत जरूरी है, फॉर्म बना रहे हो तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं डाला तो यूजर बिना इसमें डिटेल डाले कल को अगर सबमिट बटन पर क्लिक कर देता है, या लॉग इन लॉग आउट साइन अप बटन पर क्लिक कर देता है, तो क्या होगा कि बिना वैल्यू दिए ही उसकी डिटेल सर्वर में चली जाएगी, ठीक है। और हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि कोई भी फील्ड खाली रहे, डिटेल उसे भरनी है, उसको मजबूर करेंगे इस चीज के लिए, तो वो हम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट के थ्रू कर सकते हैं। इसके लिए कोई जावास्क्रिप्ट नहीं लिखनी है, कोई कुछ फालतू की प्रोग्रामिंग नहीं करनी है। प्लेस होल्डर नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, जो कि हमारे, ये देखो अभी आप जो इनपुट है इसके अंदर अभी कोई टेक्स्ट नहीं आ रहा है, एक हल्का सा ग्रे कलर का आप टेक्स्ट देखते हो, इसमें भी लिखा हुआ आता है कि ये किसके लिए है, तो वो आप यहाँ लिख सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया फर्स्ट नेम, अब ये जो फर्स्ट नेम है उसके अंदर दिखाई देगा, ये देखो दिखाई दे रहा है, हल्का सा एक शेडो टाइप में आ गया, लेकिन ये कोई वर्ड नहीं है, जैसे मैं टाइप करूंगा गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ऊपर लेबल भी लिया है। अब सिंपली हमें क्या करना है, हमने ये जो इतना बड़ा बना लिया है ना, ये पूरा का पूरा, ये अब हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया है फर्स्ट नेम का। अब मैं इसी को उठाऊंगा, कॉपी करूंगा, दूसरी बार पेस्ट करूंगा, पेस्ट करा। अब इसके अंदर चेंज क्या करना है, बस लास्ट नेम, लास्ट नेम एफ नेम की जगह एल नेम कर देंगे, यहाँ नेम में भी एल नेम कर देंगे, और सॉरी एन नेम नहीं एल नेम, यस एल नेम कर देंगे, आईडी भी इसकी एल नेम कर देंगे, और प्लेस होल्डर में भी
लास्ट नेम कर देंगे, बस हो गया, इतना ही काम था। अब फिर हम इसको जो ये है हमारा, अब इसको नीचे डालेंगे। अब इसमें कॉल एमडी हम 12 दे देंगे पूरा का पूरा, क्यों? क्योंकि अब हम क्या डलवा रहे हैं यूजर से, ईमेल डलवा रहे हैं उसका, फॉर ईमेल, यहां भी मैं ईमेल डाल देता हूं। और इसकी टाइप भी मैं अगर ईमेल कर दूं तो ऑटोमेटिकली इसका वैलिडेशन हो जाएगा, बंदा ईमेल ही डाल सकता है, ईमेल के सिवा यहां पर कोई और फालतू की डिटेल वो सबमिट कर ही नहीं पाएगा। तो उसको हम यहां पर इस चीज के लिए बाउंड कर रहे हैं कि आप ईमेल ही डालो, ईमेल के सिवा आप यहां पर कोई फालतू की बकवास नहीं कर सकते हो। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अब आपको समझ में आया कि मैंने वहां पर कॉल एमडी 6 कर दिया था, 6 दिया तो यानी कि वो हाफ हो गया, 12 का आधा, यानी कि पूरे 12 में 6-6 के मैंने दो कॉलम डिवाइड कर दिए विड्थ के, और जिससे कि हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम दो आपस में ऐसे डिवाइड हो गया और जो 12 रखा था उसमें जो है ईमेल हमारा पूरा आ गया। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट एक और है जो मैं बता देना चाहता हूँ आपको, वो ये है कि यहाँ पर आप एक ऑटो कंप्लीट ऑफ कर सकते हो, ऑटो कंप्लीट, जैसे कि मैंने यहां लिखा ऑटो कंप्लीट और मैं इसके अंदर अगर मैं ऑफ कर दूं तो अब आप देखोगे कि ईमेल पे जब मैं क्लिक करूंगा तो जो सजेशन आ रहे थे, देखो जैसे ही मैंने इसमें क्लिक करा कोई सजेशन मुझे नहीं आया, कोई भी सजेशन मुझे नहीं आया। आई नो इसके अंदर अभी थोड़ा मार्जिन पैडिंग देना है, वो हम देंगे, बट उससे पहले ये ऑटो कंप्लीट ऑफ आप कर सकते हो ताकि आपने अगर कहीं और कोई पहले कोई डिटेल फिल करी हो तो वो यहाँ पर शो ना हो, तो इसलिए आप ऑटो कंप्लीट भी यहां से बंद कर सकते हो। तो सब कुछ बेसिकली आपके कंट्रोल में रहने वाला है। अब मैं इसे कॉपी करूंगा, नीचे जाऊंगा, पेस्ट करूंगा, तो जो जो डिटेल आप यूजर से आप उसकी डलवाना चाहते हो वो सब यहाँ फिल आउट करवा सकते हो। तो यहाँ अब हमने ईमेल डलवा लिया है, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया बंदे का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पासवर्ड, पासवर्ड डलवाएंगे भाई, फॉर पासवर्ड। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ जो पासवर्ड है उसके टाइप आप पासवर्ड रखोगे तो ऑटोमेटिकली वो शो नहीं होगा किसी को। नेम में भी हम पासवर्ड दे देंगे, शॉर्ट फॉर्म चाहो तो लिख सकते हो, बट यार शॉर्ट फॉर्म मत लिखा करो क्योंकि बाद में जब कोडिंग की लेंथ बढ़ जाती है ना तो प्रॉब्लम हमें ही होती है ये ढूंढने में कि हमने क्या चीज क्यों लिखी थी, किस लिए लिखी थी, उसका क्या काम था, कुछ भी फिर बाद में समझ नहीं आता है। अच्छा एक पासवर्ड हो गया, एक होता है हमारा कन्फर्म पासवर्ड, तो मैं यहाँ एक कन्फर्म पासवर्ड भी लिख देता हूँ, बस पासवर्ड की जगह हमने कन्फर्म पासवर्ड करना है, ठीक है। और नेम में हमने कन्फर्म अंडरस्कोर पासवर्ड कर देना है, ठीक है। और फोर में भी कन्फर्म अंडरस्कोर पासवर्ड, कंट्रोल डी कंट्रोल सी, एंड आईडी में भी कन्फर्म पासवर्ड, एंड देन आगे जाएंगे थोड़ा सा प्लेस होल्डर में, तो प्लेस होल्डर में भी पासवर्ड की जगह कन्फर्म पासवर्ड, राइट, ठीक है, परफेक्ट। तो इतना हमने ये फॉर्म बना लिया है। अब ये फॉर्म आप देख सकते हो कैसा दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जितना मैं कोड यहां लिख रहा हूं ये आपको सारा का सारा कोड मिल जाएगा मेरे गिटहब से, मिल जाएगा आपको, डाउनलोड कर लेना ये पूरा का पूरा फॉर्म आप, मैं ये कोडिंग आपको दे दूंगा वहां। तो अब हमने क्या करना है, अपने इस रो नाम के, अपना ये जो कंटेनर है ना ये अभी सेंटर में लाना है, क्योंकि अभी आप देखो ये सेंटर में नहीं है, परफेक्टली सेंटर में नहीं है, इसको सेंटर में लाना है। तो वो हम करेंगे, कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले हमें एक सबमिट बटन भी यहाँ लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बटन नाम का ऐसा एक टैग लेंगे, इसमें हम टाइप देंगे सबमिट। देखो टाइप कभी भी बटन मत रखना इसका, अगर आप फॉर्म बना रहे हो तो फिर हमेशा टाइप सबमिट रखना। नेम आप दोगे सबमिट, ठीक है, और आप इसको एक क्लास दोगे, क्लास दोगे btn, btn प्राइमरी, प्राइमरी बेसिकली कलर है, राइट। जैसे मैं दूंगा तो एक परफेक्ट सा बूटस्ट्रैप बटन बनकर हमारे सामने आ जाएगा, और वो आया इसलिए नहीं क्योंकि हमने बीच में कोई टेक्स्ट नहीं दिया। तो मैं यहां लिख देता हूं हम ये बना रहे हैं साइन अप, तो साइन अप जैसे मैंने यहां लिखा तो वहां साइन अप आ जाएगा, आ गया साइन अप आ गया, राइट। इसको अगर आपने बड़ा दिखाना है तो आप यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल लिख सकते हो, फॉर्म कंट्रोल, तो जैसे आप फॉर्म कंट्रोल लिखोगे तो ये भी पूरी विड्थ ले लेगा, ठीक है, सबके बराबर। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सारे फॉर्म को परफेक्ट सा बनाना है, थोड़ा सा सेंटर में दिखाना है अच्छे से तरीके से, इसमें प्रॉपर मार्जिन स्पेस सब कुछ देना है मैंने। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक मिनट, सबसे पहले अपने इस बटन को भी मैं जो है क्या करता हूँ, यहाँ इसमें बंद कर देता हूँ एक डिव में, कॉल एमडी, क्योंकि हाँ अब ठीक है, थोड़ा सा
देखो अब हमारा ये देखो पूरा कोड देखो शुरू से ऊपर से लेके लास्ट तक देखो। अब आप ये देखो एक ओवरव्यू ले लो इसका पूरा, ठीक है। अभी ऐसा दिख रहा है, अभी मैं ब्राउजर पे दिखाता हूँ तो देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। लेकिन अब अभी इसके अंदर हमें प्रॉपर स्पेसिंग देनी है, सब कुछ इसको प्रॉपर तरीके से इसको सेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी सीएसएस लिखेंगे और मैं क्या करूंगा एक स्टाइल टैग लूंगा। और स्टाइल टैग के अंदर मैं क्या बोलूंगा, मैं कहूंगा भाई सबसे पहले तो आप बॉडी जो है हमारी, बाय डिफॉल्ट हम जो कोडिंग करते हैं तो बॉडी का क्या करो मार्जिन जीरो कर दो, पैडिंग जीरो कर दो, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। बॉक्स साइजिंग इसका बॉर्डर बॉक्स कर दो, ठीक है, एक तो सिंपल सा ये। और दूसरा हम लेंगे डॉट हमारा कंटेनर में, इसको मैं क्या कहूंगा सेंटर में लाने के लिए हर तरफ से, मैं कहूंगा कि इसका जो पोजीशन है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, सीएसएस है आपको अच्छे से दिखनी चाहिए, तो मैं ऐसा कहता हूँ कि आपका जो पोजिशन है वो एब्सोल्यूट हो, पोजिशन एब्सोल्यूट हो। देखा कंप्यूटर मेरी स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है, वाह। तो टॉप से 50%, लेफ्ट से 50%, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%, कोमा -50%, राइट। अब इतना करने के बाद चमत्कार मैं दिखाता हूं आपको, परफेक्टली सेंटर में आ गया, देखो आ गया। ये वीडियो को मैं अगर अब मैं बिल्कुल टॉप पे ले जाऊं, यहां ले आऊं तो ठीक है, काफी सही है। देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड पर अभी कुछ कमी है, प्रॉपर नहीं लग रहा है, प्रॉपर नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने यहाँ फॉर्म में एक H1 लेनी है, राइट, और हम यहाँ लिखेंगे साइनअप। जैसे मैंने साइनअप लिखा अब ये आ गया, ठीक है, साइनअप यहाँ लिखा हुआ आ गया। अब हमने क्या करना है, इन सबको थोड़ा सा हमने पैडिंग दे देना है, मार्जिन दे देना है नीचे से। तो MB बूस्टर पे मार्जिन देने के लिए MB, जैसे ही मैं लिखूंगा MB2 सब में, मैं सब में एक्चुअली MB2 कर देता हूँ ताकि सब में मार्जिन बॉटम ऐड हो जाए, ठीक है, बॉटम में एक दूसरे से दो दो का जो है यहाँ पर एक मार्जिन ऐड हो जाएगा, जिससे कि ये हमारा जो फॉर्म है काफी अच्छा दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने CSS में बूटस्ट्रैप के थ्रू ये चीज कर दी, ये देखो। तो अब ये काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और ये हमारा फॉर्म जो है, एक मिनट वेट, हाँ जी, तो अब आप देख सकते हो कि ये हमारा जो है काफी अच्छा लग रहा है फॉर्म। और यहाँ पर थोड़ी सी कुछ कमी है तो वो भी हम दूर कर देते हैं, ये लीजिए अब प्रॉपर दिख रहा है। अब ये आप देखो प्रॉपर फॉर्म लग रहा है, एक प्रॉपर साइन अप फॉर्म लग रहा है जिसके अंदर हमारा फर्स्ट नेम है, जैसे कि मैंने मेरा फर्स्ट नेम डाल दिया, मैंने मेरा लास्ट नेम डाल दिया, मैंने मेरी ईमेल आईडी, जैसे कि मैं mohitpandey@gmail.com ऐसा ईमेल डाल दिया। मैं यहाँ पासवर्ड मेरा जो भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है मैं डाल सकता हूँ, कन्फर्म पासवर्ड मैं डाल सकता हूँ। वैलिडेशन आपने अगर इसका करना है तो आप जावास्क्रिप्ट लगा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जावास्क्रिप्ट लगा सकते हो। जैसे कि पासवर्ड जो है और कंफर्म पासवर्ड जो है, अगर वो दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं तो वो सर्वर में नहीं जाने चाहिए। फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ये सब में से अगर कोई भी फील्ड एम्प्टी है तो वो आपने रिक्वायर्ड टैग के थ्रू, आपने एट्रीब्यूट के थ्रू से यहाँ पर कंट्रोल कर लिया है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाता हूँ कि मान लो अगर ये सब डिटेल्स खाली है, मैं साइनअप पर क्लिक करता हूँ तो देखो प्लीज फिल आउट दिस फील्ड हमें दिखा रहा है। ये साइनअप होगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि जब तक एक भी फील्ड खाली है तब तक ये साइनअप होगा ही नहीं। मान लो मैंने फर्स्ट नेम डाल दिया, ऐसा कुछ भी टाइप कर दिया, अब मैं साइन अप करता हूं तो ये लास्ट नेम पे अटक जाएगा। लास्ट नेम डाल दिया और ईमेल के अंदर मैंने ऐसे कुछ भी लिख दिया तो ये देखो ये कह रहा है कि प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस, ठीक है। मतलब कि ईमेल टाइप डालने का फायदा ये था इनपुट टैग में कि प्रॉपर ईमेल का वैलिडेशन हो गया। अब @ के बाद भी अगर मैं साइन अप करूंगा तो फिर कहेगा कि भैया @ के बाद भी कुछ आना चाहिए, उसके बाद अब फिर साइन अप करूंगा तो ये अब पासवर्ड में जाके अटक जाएगा। पासवर्ड डाल दूंगा तो ये कंफर्म पासवर्ड में अटक जाएगा। कंफर्म पासवर्ड जब मैं डालूंगा तब जाकर के अब ये सारा डेटा फाइनल सबमिट पर जैसे मैं क्लिक करूंगा साइनअप पर तो ये चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपना साइनअप फॉर्म बना सकते हो। यहाँ पर आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, क्रिएट न्यू अकाउंट लिख सकते हो, रजिस्ट्रेशन लिख सकते हो, बटन में रजिस्ट्रेशन लिख सकते हो, और ठीक इसी सेम तरीके से आप लॉग इन फॉर्म लॉग आउट फॉर्म सब फॉर्म्स बना सकते हो। ये तरीका था बूटस्ट्रैप में फॉर्म बनाने का। अब मैं एक बार दिखा देता हूँ कि कितना रिस्पॉन्सिव है। तो जैसे ही मैंने ये देखो इसको ऐसे किया मोबाइल में, जैसे ये चलेगा तो आप देखो ये देखो ये अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। देखो ये देखो मोबाइल में जैसे ही चलेगा ये अपने आप को मोबाइल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा।
डेस्कटॉप पर जैसे जाएगा डेस्कटॉप के साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा। यहाँ पर अगर आप यूजर से उसका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, यूजर नेम कुछ भी क्रिएट करवाना चाहते हो तो वो आप अपनी मर्जी, आपकी, आप अपने वेबसाइट के फॉर्म में क्या डिटेल्स फिल आउट करवा रहे हो तो वो सब आप यहाँ से करवा सकते हो। सो आई होप गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।